आप IITian रह चुके हैं, तो उस समय आपके पास ऑप्शन था कि आप एक अच्छी कंपनी में अपना लाइक जॉब लेके और आराम से पैसे कमा के अपनी लाइफ गुजार दे, जो कि एक अच्छा ऑप्शन था। बट आपने क्रिएट करने का कुछ और लोगों तक पहुंचने का ऑप्शन क्यों चूज किया? उसके पीछे क्या जील, क्या मोटिवेशन थी? आई थिंक IIT की प्लेसमेंट छोड़ने से पहले भी एक डिसीजन था मेरी लाइफ में, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि IIT का ब्रांड था तो कर लिया। बट उसके पहले जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, मैंने 12th में 2 महीने बाद मैं एक दिन स्कूल गया, एकदम परेशान हो गया कि यार 8 घंटे बिताता हूँ मैं, कुछ मेरे को मन भी नहीं है, उससे बेटर मैं घर में सीख लूँगा। मैं एक दिन वापस आया, मैंने अपने घर वालों को बोला, पेरेंट्स को बोला मैं स्कूल नहीं जा रहा और मैं घर में पढ़ूंगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो IIT के लिए प्रिपेयर करा था वो कर लेंगे, इंग्लिश और कंप्यूटर बचा है वो मैं खुद पढ़ लूँगा। तब मेरे पास कोई वो नहीं था सेफ्टी नेट की IIT का ब्रांड है, बट एक कॉन्फिडेंस था और एक कैलकुलेटेड रिस्क था कि यार मुझे लग रहा है कि वो 8 घंटे में मैं कर लूँगा अपने आप, इससे बेटर तो वो बैट ले लेते हैं। तो चाहे वो डिसीजन हो या प्लेसमेंट छोड़ने का डिसीजन हो, इट इज ऑलवेज अ कैलकुलेटेड रिस्क कि मेरा अपसाइड क्या है, मेरा डाउनसाइड क्या है। अपसाइड है कि यार मेरे को फ्री टाइम मिलेगा, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाऊंगा। डाउनसाइड ये है कि शायद मेरे बोर्ड्स में कम नंबर आ जाएंगे। बट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बोर्ड्स का परसेंटेज और उसका कोई कोरिलेशन नहीं मिला, हमारे टाइम पे तो नहीं था, शायद चेंज हो गया। तो आपको ये देखना कि अपसाइड क्या है, डाउनसाइड क्या है और फिर डिसीजन लेना। तो ये भी एक आई थिंक आजकल एक फैक्ट बन गया कि कॉलेज छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्योंकि आई थिंक संदीप सर आप भी मैं बिगाड़ रहा हूँ सब अभी वहाँ भी बहुत है, सिलिकॉन वैली में बहुत है। हाँ, बट ये थोड़ा सा आई थिंक ओवर हाइप्ड है, क्योंकि हम सबने जब वो डिसीजन लिए थे तो कुछ सोच के लिए थे, सोच के लिए रिस्क, वो कैलकुलेटेड रिस्क था, हमने किसी को देख के नहीं लिया था डिसीजन। मतलब जब मैंने वो डिसीजन लिया था, हमने मतलब मैंने, क्योंकि इन्होंने तो पूरा किया, इनके पास पास डिग्री है जो चाहे कर सकते हैं, बट मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मैं यही सब कर सकता हूं जो अभी कर रहा हूं। तो मैंने जब वो डिसीजन लिया था तो बहुत सोच समझ करके लिया था। जब मैंने वो डिसीजन लिया था तो मेरे को पता था कि इन द वर्स्ट केस सिनेरियो में महीने का 1,00,000 रुपए तो कमा ही लूंगा। तब जाकर मैंने वो डिसीजन लिया, ऐसे नहीं कि किसी को देखा और इमीडिएटली वो डिसीजन ले लिया। मतलब जैसे इन्होंने कहा ना, बेस्ट केस सिनेरियो वर्स्ट केस सिनेरियो देख करके फिर डिसीजन लिया कि बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, कि कहीं कुछ नहीं हुआ, हाँ ठीक है इतना तो हो जाएगा। एक डाउट था मेरे मन में कि स्कूल में बच्चों का